सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कुश मांडा IAS HCS एकेडमी को और दबाएं नोटिफिकेशन बेल को ताकि आपको हमारी सभी अपडेट मिलती रहे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुश मांडा आईएएस एकेडमी। आज हम सीसेट पेपर के एवरेज का चैप्टर करेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, यदि 6 क्रमागत सम संख्याएं ए बी सी डी ई तथा एफ में से ए का मान 8 है तो उसका औसत क्या होगा। देखिए तो देखिएगा उसका औसत क्या होगा, आपको सीधा बताते हैं। तो उसका जो औसत निकल जाएगा, औसत क्रमागत सम संख्या है, पहली 8 दे रखी है तो जो दूसरी होगी सीधा आप कहेंगे ए प्लस में 5, बाकी 5 बच गई ना, तो आप कहेंगे 8 प्लस में 5 13। ठीक है, ये सीधा हमारी औसत बन जाएगी। नहीं तो आप इसको अगर बड़ा फॉर्मूला, ये ए प्लस में 5 कर सकते हैं, नहीं तो आप बड़ा फॉर्मूला तो आपको आता ही है। औसत का मतलब होता है कुल डिवाइडेड बाय संख्या, कुल डिवाइडेड बाय संख्या जितने भी है नंबर। ठीक है, इनका 8 8 10 12, ये अगले कौन सी हो जाएंगे 8 10 12 14 के बाद आपका कितना आ गया 16। 1 2 3 4 ए बी सी डी ई और एफ, इन सबको ऐड करें और 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड करें, नहीं तो ए प्लस 5 कर दें, दोनों ऑप्शन आपके सामने जैसा मर्जी करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, टोटल में 5 नौकर हैं जिनमें से एक नौकर जिसका वेतन 55 है निकाल दिया गया, उसके स्थान पर एक नया वेतन रख लिया गया, नया नौकर रख लिया गया तो औसत वह 4 कम हो जाता है। नए नौकर का वेतन ज्ञात करें, देखें जो नए नौकर का वेतन वेतन क्या होगा, नए नौकर का वेतन क्या हो जाएगा। देखो 55, तो अगर उसका 55 होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, 55 से कम है, कितना कम है, उतना कम है कि उसने हर एक से 5 गुना में 4 5 गुना में 35। क्लियर है, चलिए। एक वर्ष में 14 छात्रों के औसत आयु 1.5 वर्ष की कमी हो जाती है, जबकि जब इनमें से दो छात्रों जिनकी आयु क्रमशः 12 वर्ष तथा 15 वर्ष है के स्थान पर दो छात्रों को शामिल किया जाता है तो दोनों छात्रों की औसत आयु क्या होगी। देखें उनकी औसत आयु सीधा निकालते हैं, औसत आयु कितनी हो जाएगी, आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगी 12 प्लस 15 और माइनस कर देंगे इसका हाफ। ठीक है, डिवाइडेड बाय मैं करूंगा इसको 2 से तो ये आ जाएगा आपका 27 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2 तो ये आ जाएगा 10 आ जाएगा 10 वर्ष। ठीक है, एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत ऊंचाई 145 सेंटीमीटर है, इनमें से 8 छात्रों की औसत 142 है, उनमें से उस कक्षा से चले जाते हैं, उनके स्थान पर 8 अन्य छात्र जिनकी औसत ऊंचाई 147 सेंटीमीटर है सम्मिलित हो जाते हैं, आप कक्षा के छात्रों की नई औसत ऊंचाई ज्ञात करें। देखें सीधा नई औसत ऊंचाई सीधा कितनी आ जाएगी, तो सीधा निकालें 145 माइनस 8 इंटू में 142 माइनस में 147 डिवाइडेड बाय 40 और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा ये 40 आ जाएगा, 40 डिवाइडेड बाय 40। क्लियर, देखिए यहाँ मैं सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, बेसिक्स आप बेसिक वाली क्लास में देखिएगा, यहाँ हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब मैंने बताया हुआ पिछली वीडियो में। और ये देखते हैं, 4 संख्याओं में से पहले 3 का औसत फर्स्ट मान लीजिए 1 2 3 4 है, पहले 3 का औसत कितना दे रखा है 15, यानी कि टोटल इनका 45, अंतिम 3 का 16 16 48
यही है तो 8 5 13 4 4 8 और 1 9 जिसमें से ये और अंतिम 19 है, ये लास्ट वाली 19 है। तो पहली संख्या क्या होगी? देखिए लास्ट वाली आपने 19 दे रखी है तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखिए आप सीधा भी कर सकते हैं, देखो अगर आपको इतना बड़ा नहीं करना तो देखो सीधा पहली संख्या आपकी क्या आ जाएगी, 90 के बराबर है तो देखो ये आ जाएगी आपकी 3 × 15 − 16। तो ये इसे सॉल्व करेंगे तो 19 − 3 16 आ जाएगी पहली संख्या। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं आ रहा? क्लियर? इस वाले मेथड से मत करें, ये मैंने बताया हुआ इससे करें। आपके पास खुद का अपना मेथड है तो वहाँ से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 11 प्रश्नों का औसत 40 है, यदि 5 प्रश्नों का औसत 38 है, अंतिम 5 का 36 हो तो छठा प्रश्न क्या होगा? देखो सीधा मैं लिख सकता हूँ, देखो सिक्स छठा कौन सा होगा, मैं 11 × 40 ये टोटल माइनस में 5 करूँगा इंटू में 38 और 36 इसे ऐड कर दूंगा तो ये आ जाएगा 440 − 5 × 74। 440 − 3 = 70 = 70 आंसर। एक जहाज 10 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से की गति से एक निश्चित दूरी तक जाता है, 15 किलोमीटर की रफ्तार से वापस आता है, इस दूरी के लिए औसत चाल क्या होगी? देखो सिंपल, औसत चाल ये टाइम एंड वर्क और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में बताया क्या होता है, कुल दूरी बटा में कुल समय। ठीक है, कुल दूरी बटा में कुल समय, तो सीधा आ गया ये 2 × 10 × 15। इसका सीधा एक फॉर्मूला लगा दे, देखिए मैं इसको तो फॉर्मूला से करा देता हूँ। तो सर दूरी का फॉर्मूला आप ये भी कर सकते हैं, 2xy/x, सीधा तो x + y इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 12 km/h। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तीन संख्या का औसत 49 है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी, दूसरी संख्या तीसरी संख्या तीसरी की दुगुनी और दो सबसे बड़ी तथा छोटी का अंतर क्या होगा? देखें आप कैसे करें, ये पहली है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। पहली संख्या दूसरी की कैसी है? दुगुनी। देखें ये 1 है तो ये 2 है इसका मतलब, और दूसरी संख्या तीसरी की दुगुनी है। ठीक है, तो मैंने रेशियो नंबर क्वेश्चन में आपको कराया था। ठीक है, दिखा लीजिएगा, यहाँ दो ये शिफ्ट कर दें या ये शिफ्ट कर दें, या 4 आ जाएगा, यहाँ 2 आएगा तो यहाँ 1 आएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका, तो आपका टोटल कितना आ गया? 7। वो कह रहे हैं टोटल है 49, कितने 49 कितने गुना 7 गुना क्या बताना है? सबसे बड़ी संख्या 7, सबसे बड़ी संख्या बतानी है आपको, सबसे बड़ी संख्या कितनी आ गई? तीन संख्याओं का औसत, सॉरी औसत है 49, सॉरी एक सेकंड, तीन संख्याओं का औसत 49 है तो ये 7 गुना नहीं होगा, ये मैं बता देता हूँ, ये 49 × 3 के बराबर आएगा, यानी कि 7 ये 3 गुना और 21 गुना हो जाएगा सीधा। तो देखो बड़ी संख्या कौन सी है? 4, छोटी संख्या 3 है, तो इनका डिफरेंस कितना आ गया? 3 रेशो। तो एक जब 7 रेशो अगर आपके को मैं 21 गुना कर रहा हूँ तो वास्तविक वैल्यू आ रही है मेरी 49 × 3। सिमिलरली अगर मैं 3 को 21 गुना करूँगा तो वास्तविक वैल्यू आ जाएगी 63। ठीक है, चलो थैंक यू।